ये वीडियो मैंने स्पॉन्सर की है, 2 रुपए पर लेती का बिस्कुट। वो हमारा बिजनेसमैन बेटा, ये होती जन्नत। हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं एक नई जगह पर, और हालांकि मैं वहाँ पहले भी जा चुका हूँ, तो आज का कि ये नया टूर होने वाला है हम लोगों के लिए। और हम लोग जा रहे हैं आज कालिंजर। ये हमारे दीपक भाई हैं, गाड़ी चला सकते हैं। और ये है अभिनव भाई, जो ये वीडियो मैंने स्पॉन्सर किया है, 2 रुपए पर लेती का बिस्कुट। वो हमारा बिजनेसमैन बैठा है उधर, 24 घंटा फोन। और ये हम हैं, और ये हमारी कॉल है, अरे भाई पारी हो रही है। चलिए मिलते हैं आपको आगे। नहीं मछली का इस वक्त यहाँ पर काफी शोर हो रहा है, और हम लोग हैं अभी फतेहपुर के एक पेट्रोल स्टेशन पे। यहाँ से हम तेल भराकर आगे की तरफ जाएंगे। पेट्रोल स्टेशन काफी हरा भरा है, तो अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन चल रहा है, आज शुक्रवार का दिन है, तो मास्क नहीं लगा, कोई मास्क नहीं लगाए हुए है, पर हम लोग लगाए हुए हैं। इसका मानोगे नहीं। केला दिखा दो, केला केला खेती दिखाओ। देखो यहाँ खेती होती है, 2 साल पहले बो के गए थे हम लोग, और आज निकल आया। तुम क्या खाओगे भाई? मैं देखो वो गरम निकल रहा है, मैं ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा। ठीक है, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, शाम तक नहीं तुम्हारा पेट भरता। ये है वो आदमी भैया, गरम गरम निकालना, जो भी निकालना। ब्रेड पकौड़े खाऊंगा मैं, ब्रेड समोसा गरम बड़े भाई, ये पकौड़े निकल, पकौड़े नहीं गरम। हाँ ठीक है। और तो यहाँ पर देखिए, सब जितने थे सुबह से बहुत ज्यादा भूखे थे, और ये देखो इतना ज्यादा भूखा है, इसको कच्चा मिर्चा दिया गया है तो वो भी खा रहा है। देखिए देखिए कैसे, देखिए देखिए कैसे स्वास्थ्य खा रहा है। यहाँ पर हम लोगों की जो है थोड़ी सी जो कार के साथ जो है पारी हो गई है, और ये बंदा छुप रहा है यहाँ विपत्तियों का सामना करते हुए। मेरा मास्क छोड़ गया। आप लोग भी मास्क लगाइए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए। हालांकि मैं भी वीडियो बना रहा हूँ इसलिए नहीं लगाया, अभी मैं जैसे ही कार में बैठूंगा तुरंत मास्क लगाऊंगा। बिल्कुल, ये इसलिए नहीं लगा रहे, इनको कोई देखे, यहाँ से 10 लड़कियाँ गुजर रही हैं। मुझे सोच के काफी हंसी आ रही है, जो पहला इसका बजट आया होगा उसे इन्होंने मशीन ही खराब कर डाली। अभी स्टार्ट करके देता हूँ। जब से मैं पैदा हुआ यही काम कर रहा हूँ, और मेरे पास यही हाथ लगा है। अब अपने बारे में कुछ बताइए, जो आप मेरे साथ को ड्राइवर हैं इसके। अभी थोड़ा ये जगह यहाँ पे खाली थी, तो मैंने यहाँ पे नीम की खेती कर दी है, और जैसे दतून होता है उसका हम बिजनेस करने लगेंगे, और धीरे धीरे जो है अरबपति करोड़पति हो जाएंगे। बड़ा पुल देखिए बगल में बन रहा है, आपका इसका निर्माणाधीन कार्य चालू है।
राजा साहब ने फंडिंग की है, इसने फंड हमने भी दिया थोड़ा 2 रुपए, हमने भी काम कराए थे। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं कारिंजर की तरफ। यहाँ हम अवगासी से थोड़ा आगे की तरफ आ चुके हैं। कालिंजर 38 किलोमीटर। ये ब्रिज है, नीचे की तरफ पहाड़ी है और बीच में जलधारा है और कुछ व्यक्ति वहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं। यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है बल खंडेश्वर मंदिर। विशाल शिवलिंग प्रतिमा है यहाँ पर और जस्ट 20 मिनट की दूरी है, मतलब 20 मीटर की दूरी है। और हम लोग यहाँ रेडी हो रहे हैं, अब यहाँ ऊपर जाएंगे। तो बल खंडेश्वर मंदिर के लिए आपको बीच में यहाँ पर सीढ़ियाँ मिलेंगी, कालिंजर में स्टार्टिंग में ही मिलेंगी। देखो पहले के जो हमारे शिल्पकार होते थे वो इस तरह से बनाते थे, प्रतिमा पूरी पहाड़ों में ही बना देते थे। कुछ यहाँ से आपको जो व्यू देखने को मिलता है वो काफ़ी अद्भुत है। और भी ऐसे बहुत सारे व्यूज हैं जो आप हमारे ब्लॉग्स में देख सकते हैं। पुरानी पुरातन शैली से हमारा जो ये मंदिर बना हुआ है, बहुत ही विशाल शिवलिंग है। वो नहीं पहाड़ है वो। अच्छा, भगवान भी कहीं ना कहीं जीव जंतु के लिए थोड़ा व्यवस्था कर देते हैं, पर ये व्यवस्था इसी है इनको की है। ये पहले भरेगा, इसके बाद ये भरेगा। अब यहाँ से उतरते हैं और कालिंजर का किला आप देखेंगे, रूप वगैरह आप फॉलो कर लीजिएगा यहाँ से भी आते हैं। ये है बांदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहीं पर थोड़ी दूर पर यूपी का बॉर्डर भी है और थोड़ी दूर पर एमपी का बॉर्डर भी है। अब ये जो हमारे सामने दिख रहा है ये है यहाँ का दुर्ग। तो ये जो हमारे भाई साहब हैं वो खतरनाक आदमी है। पहली बार गाड़ी चला रहा है, उसमें 90 की स्पीड 100 की स्पीड लेके जा रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद आप व्यूज कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, काफी बहुत तगड़ा व्यू है। और अभी तो और भी ऊपर जाना है हम लोगों को। और यहाँ पर कुछ मंकीज देख रहे हैं आपको, ब्लैक मंकीज, ब्लैक माउथ। और ये कुछ इस प्रकार से है। और जहाँ तक बात करें इस किले की, तो ये किला सतयुगी किला है, यानी कि इसका 3 युग पूरे हो चुके हैं। इधर आ, इधर आओ बताएं। ये हमारे साथ हमारे एक मित्र भाई
अभिनव। अब धूप भी निकल आई है, भगवान का मन नहीं है कि हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी आपको। ऐसे चढ़ सकते हैं ऊपर, और ऊपर चढ़ के ये सब पूरी बाउंड्रीज आप देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा नीचे का आप नज़ारा व्यू देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आ जाओ, वो नीचे पूरा कालिंजर शहर बसा हुआ है। लंबा है। मेन किला कहाँ है? अंदर। यहाँ पर बहुत लोगों ने आक्रमण किया, बहुत लोगों ने राज किया, पर इसको पूरी तरह से नहीं तोड़ पाए। तो यहाँ तक तो आराम से घूम ही सकते हैं सब, अगर घूमना चाहते हैं तो। अब चारों तरफ का व्यू यहाँ से एक बार दिखाता हूँ। कालिंजर का किला, अगर मंदिर तक नहीं जा पाए तो फिर नुकसान हो जाएगा। कोशिश ये करते हैं कि पैदल चलते हैं, आगे तक थोड़ी जाती है गाड़ी, बस उसके बाद पैदल जाना पड़ता है, टिकट लगता है। ट्रेन का जो प्रशासन है वो आपको पूछना पड़ेगा। इन्हीं से हवा आया करती थी, पर धूप बहुत हो गई है। हमारे नसीब में आज यही सब है कि आप ताजी ताजी हवा खाइए, पेड़ पौधों को देखिए, और ये वीरान एक प्रकार से पड़े कालिंजर का किला। और यहाँ पर फिलहाल तो वीरान है क्योंकि इसका संरक्षण कहीं पर भी नहीं किया जाता है भारत में। ये शॉर्टकट भी है तो इस वजह से ज़्यादा चढ़ाई इसमें आते हैं। ये इसका मेन गेट है और ये टिकट काउंटर है। यहाँ पर लखनऊ मंडल की उस पर आता है, पार्किंग स्थल भी है यहाँ, उसका चार्जेस लगता है। और यहाँ पर इन्होंने गेट बंद रखा है, इसका मतलब है कि आप आगे नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। पूछ लेते हैं एक बार ना क्या जाता है। भैया आगे जा सकते हैं? बंद है कम्प्लीटली। चलो ठीक, जो मेन जगह है वो नहीं बंद है, पूरा शहर खुला है, सब घूम रहे हैं इसे। पर जहाँ कोई नहीं जाता है ज़्यादा, उसको बंद करके रखा हुआ है। हालांकि मैं बरसात में एक बार फिर आऊँगा यहाँ पर अगर मौका लगा तो, पर मेरे दोस्त लोग पता नहीं आएंगे कि नहीं। तो ये पूरा किला बहुत ही बड़ा किला है, ये बाउंड्रीज उन्होंने बनाई थी, काफ़ी बड़ी बाउंड्रीज हैं, काफ़ी बड़ी। तो यहाँ रहते थे ऊँचाई में, बढ़िया ठंडी में आराम, गर्मी में भी। तो यहाँ पर ये तालाब है, यहाँ पर जब रहते थे जो भी रहा यहाँ पर, तो स्नान गृह है इनका। दो कुंड बने हुए हैं अच्छे से, आगे पेड़ भी लगे हुए हैं, काफ़ी पुराने पेड़ हैं। कुछ टेंपल्स हैं उधर में भी, एक तरफ राजा रहते रहे होंगे, एक तरफ रानी नहाती रही होंगी, ऐसा कुछ होगा। कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं इधर भी, देखिए आपको अजीब से कुछ फल दिखेंगे। यहाँ की वादियाँ देख सकते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो पूरा एक दिन लेके आइए, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं ऊपर देखने के लिए। पर फिलहाल तो अब हमें यहाँ से नीचे की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन में लग गई। ये हमारे कुछ साथी हैं नीचे, देखिए अब ये दरवाज़ा बंद है इस किले का, तो वहीं इंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी की, मज़ा यहीं ले रहे हैं। आपको भी आनंद आएगा और इनको मजा पूरी आ रही है। यही से काम हो रहा है, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। आइए अब इसके नीचे से जाएंगे दरवाजे के, बहुत मेहनत करनी पड़ती है व्लॉग बनाने के लिए भाई साहब। साकी ने गोल दी जवानी शराब में, चलो भाई।